हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल लोग में। तो इधर ना सुबह के 10 बज चुके हैं और दीदी ने जो है खाना बना दिया और मैंने घर में क्लीनिंग कर दी और अब लगाएंगे खाना पूजने के लिए, क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ श्राद्ध है बड़ी दीदी का, जेठानी का, यानी कि अमित और पूजा की मम्मी का श्राद्ध है आज, तो उसकी पूजा होगी। तो खाने में आज हमारे यहाँ बने हैं हलवा, पूरी, कढ़ी और चावल, और भाई साहब जो है पूजा करेंगे और बच्चे करेंगे और फिर अपना सारा काम निपट जाएगा, क्योंकि आज एक तो बृहस्पतिवार है, कपड़े तो आज धुलेंगे नहीं और बर्तन वगैरह बीच बीच में साफ़ कर रहे हैं रिता के साथ के साथ, तो थोड़ा ही काम रह गया, बस पूरी बनानी रहेगी। चलो पहले पूजा करवा देते हैं और फिर दीदी के साथ मिल गए पूरियाँ बनवा पाएंगे। बस तुम रोटी का भोग लगा दो। जो है खाना बनाना हो गया था और काम भी निपटा दिया, बर्तन वगैरह साफ हो गए, चूल्हा साफ हो गया और टाइम काटने के लिए आज, क्योंकि काम थोड़ा जल्दी निपट गया, तो दादी पोती तीनों की तीनों मिल कर बनाने लगी सांझी। ये देखो क्या क्या बना रहे। मैं चांद बना रही हूं। ये सांझी का भाई बना रही भाई और बहन। भाई बहन बना रहे और सांझी का तू बनाओगे? मम्मी बनाओगी। बबली मम्मी बनाओगी सांझी। और इधर माँ जी ने टिकड़ी तोते बना दिए और या तो बस अपना वैसे ही लग रही, वैसे ही क्रेडिट ले दी। इतना बड़ा चांद यो घोड़ा तो ये देखो कितना सुंदर चांद बना दिया। इधर माँ जी ने भाई बना दिया सांझी का। और चिंकी क्या बना रही? ये बज्जे वाला है, मैं संजी का भाई बना रही। अच्छा, माँ ने बज्जे वाला बनाया तो संजी का भाई बना रही। और इधर तोते भी बना दिए, कुछ इस तरीके से बनाए और फिर टिकड़ी बनाओगे। ये क्या बना दिया इतना बड़ा तोता सा? तोता नहीं है, यो चांद है इतना बड़ा। आज ये हेयर स्टाइल किसने बनाया आपका? मैंने खुद बनाया। इतना सुंदर हेयर स्टाइल। एक तरफ चोटी बांध ली और एक तरफ चिमटी लगा ली। बढ़िया लग रहा, सुंदर लग रही। और उधर जो है आरुषि जो है अपनी कर रहे है तैयारी पेपरों की। और मैं बोल रही अलग अलग बैठ गया, तो एक कमरे में बैठ कर याद कर रही और एक बाहर बैठा पंखा। और पंखा तो चला लेता, गर्मी हो रही बहुत है। चलो हो गया कुछ याद? अच्छा चलो, तो तैयारी कर लो, आ जाओ और अब सुनूंगी और मैं करवाऊंगी इनकी तैयारी। अब तीन से याद करवा के और लिख कर देखूंगी, ताकि लिख कर ना थोड़ा सा पक्का सा हो जाए इनका कि हाँ स्पेलिंग वगैरह ठीक है। बाकी तो देखी जाएगी पीटीएम में क्या कर पा रहे हैं। तो जी शाम के 6:30 बज चुके हैं, बच्चों की तैयारी करवाने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं लगा। तो अब जब बनाते हैं खाना, खाने में जो है किचन गार्डन से तुरई आ गई शाम के खाने के लिए। दिन में कढ़ी बनाई थी तो कुछ हल्का फुल्का सा खाने को मन कर रहा, और ये फ्रेश फ्रेश तुरई आ गई और अभी ना काट लेते हैं। उधर अभी चूल्हा भी बांट देख रहा, चूल्हे में भी जीना लगा देते हैं। और जब तक पहले दूध रख देंगे, जब तक तोरी वगैरह तैयार होगी ना कट के, तब तक दूध पक जाएगा। और अब 6:30 बजे भी ऐसा दिखने लगा, देखो जैसे बिल्कुल बहुत अंधेरा हो गया, 8-9 बज जाए जिस तरीके से गर्मी में। इधर माँ जी ने जो है तुरई काट कर तैयार कर दी और उधर चूल्हे में जीना भी लगा दिया था, बस जलना रह रहा। थोड़ी सी चाय के बर्तन रखे जब तक हमारा चूल्हे में जीना जलेगा ना और दूध पकेगा, तब तक वे चाय के बर्तन साफ कर देंगे। कढ़ी रखी है और तुरई बनाओगे?
तो जी इधर जो है दूध हमारा पक चुका है और माँ जी ने तुरई काट के तैयार कर दी, पानी में रख दी और दूध रख दिया। अब इस पर पतीली चढ़ा दी चूल्हे पे गर्म होने के लिए और चलो तड़का छोक देते हैं तुरई की सब्जी। अब जा बहुत जल्दी बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगनेगा, बस ज़्यादा पतली नहीं बनानी क्योंकि थोड़ी सी रखी है कड़ी और बस थोड़ी सी तरीदार ही बनाऊँगी, ज़्यादा पतली नहीं बनाने की। ज़्यादा तो तुरई की सब्ज़ी ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी से अच्छी तरी वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगे, तुरई की सूखी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती। चलिए छोक लेते हैं सब्जी। और इधर ना पतीली गर्म होगी तो कितनी इतनी सी देर में। थोड़ी सी जीरा पटक गया, वो बढ़िया चलो चटक गया बढ़िया। सबसे सिंपल और सबसे जल्दी बनने वाली सब्जी। हैं? कोई बात नहीं होगा हमें। खा गया जी। आप क्या करो गुड्डू दीदी? चटनी बनाओगे अपना? कड़ी भी नहीं खाती? अन्ना तो ही खाती। बस थोड़ा सा पक जाएगा और कुछ अब जा पानी इतना तो छोड़ देगी, जो तरी सी हो जाए ज़्यादा सूखी ना बने सब्जी तो इतना तो पानी तोरी छोड़ देगी और इतना पका देंगे, ऐसे ही पानी डाल देंगे बिल्कुल भी। और बाकी बाद में बताऊंगी कैसी बनी हमारी सब्जी। और दोनों बहनें ना जल्दी सो गई, लो पता नहीं दिन में तो आराम करती नहीं और इस टाइम ही ना आलस आ जाए। देखो पढ़ती पढ़ती और आरुषि तो नाटक कर रही। देखो हाँ ऐसा आलकस आ गया, ज्यादा काम करके इधर और उसको भूख लगी तो ये तो कड़ी चावल खा रहा और ये तो रोज ही सो जाती है इस टाइम। इसे जो है जगा के ना 9 बजे से जब खाना खिलाना पड़े क्योंकि जब तक इसकी थोड़ी सी नींद तो पूरी हो ही जाए और खाना खा के फिर सो जा, आलस नहीं उतरता इसका, खाना खा के फिर सो जा दूध पी के। चलो भाई उठ जाए आरुषि खाना खाइए। तो जी इधर हमारी तोरी की सब्जी ना 5 मिनट में ही आधे से ज्यादा गल गई, एकदम बिल्कुल गल गई मतलब। और ये देखो कुछ इस तरीके की बनाई है आज मैंने, आज ना इसमें पानी डाला और इतना भी पानी तुरई नहीं छोड़ा अपना। लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, जो दे उन्हें किसी भी चुनौती से लड़ने की शक्ति। बीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब खया और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। जी इधर सब्जी तो बन चुकी थी और रोटी भी सेकनी शुरू कर दी, पिताजी चाचा जी ने खानी शुरू कर दी, बच्चों ने जो है कुछ ना तो चावल फ्राई, गुड्डू ने तो अपने चावल फ्राई कर गए, राइस फ्राई बना कर खा लिए, चिंकी ने खड़ी चावल गर्म करके खा लिए और आरुष ने हलवा खा लिया। तो इनकी तो जो उम्मीद कमी है कि ये खाना कम खाएंगे, तो बस हम रह रहे 2-4 जने, मैं और दीदी इस टाइम खाना खाते नहीं क्योंकि चाय पी लें शाम के टाइम, बस भाई साहब रह गए तो उनके लिए रोटी सेकनी। तो फ्रेंड्स इधर रात के 9:30 बज चुके हैं और खाने बनाने का सारा काम निपटा दिया था, बर्तन वगैरह साफ करके आंगन में सारा सामान संगवा दिया था। इधर फिर से आरुषि का एक बार और रिवाइज करवाया, जो जिस चीज़ का कंप्यूटर का पेपर है इनका और उसका रिवाइज करवाया। रिवाइज इसलिए करवाना पड़ता है इस टाइम भी क्योंकि दिन में 2 बार, एक बार याद करवा के सुन लो फिर टाइम सा देगा फिर इन पर लिखवा के देख लूँ शाम के टाइम, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर ही देते हैं और थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं। तो एक बार फिर भी सोने से पहले इनका रिवाइज करवा दूँ और एक बार
अपनी तसल्ली के लिए सुन लूँ कि हाँ इनके याद है या नहीं है। बाकी तो देखो इनका देखा जाएगा क्या लिखा रहे क्या नहीं। और फिर सुबह का टाइम इनका इतना टाइम नहीं मिल पाता कि एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्हें जगा के रिवाइज कर दे करवा दे, क्योंकि दिन में आराम नहीं करते और रात को लेट 10 बजे से पहले सोते नहीं, सुबह ही 6:30 बजे भी बहुत मुश्किल से जगाते हैं, फिर इतना नहाते हैं धोते हैं तैयार होते हैं और नाश्ता करते हैं, तो इनका स्कूल का पूरा टाइम हो जाओ। तो फ्रेंड्स इधर अब इन्होंने अब तक तक का तो सारा रिवाइज कर लिया और सुना भी लिया बिल्कुल सही विद स्पेलिंग, और बाकी तो पेपर देखेंगे क्या कर करवाएंगे। और मैं कह रही हूँ जब सो जाओ, इधर नंदनी को सोई हुई है मम्मी। हाँ जी एक पेपर है जिसमें हमारा एक क्वेश्चन छूटा और कोई याद नहीं कर रहा है। अच्छा एमएससी का। अच्छा तो बाजी हो भी जावे ऐसा कि मैडम थोड़ा सा अलग से दे दे, चैप्टर वही रहे टॉपिक वही रहे लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को अपनी तरफ से घुमा दे, लेकिन बच्चों का ऐसा ही रहे। अच्छा तो ही चलो अब जा, हाई ने भी कह रही दूध वगैरह क्लास में। अच्छा हो जावा है चांस, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब आराम कर लो, दूध वगैरह इन्होंने पी लिया, और चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम राधे राधे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय।